हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं आई हूँ पार्लर मेहंदी लगाने के लिए। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने दिखाया था आपको कि मैंने मेहंदी में क्या क्या मिलाया है, क्या क्या मिला करके मैंने अपनी जो हिना है वो इस बार तैयार की है। तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इस वजह से मैं ये टू पार्ट्स में शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ा सा इसका पार्ट उसमें भी दिखा दूँगी, लेकिन मैंने मतलब दिखाया है आपको, तो बस मैं दिखाना चाहती हूँ किस तरीके से मैं पार्लर में गई हूँ मेहंदी लगाने के लिए, किस तरीके से पार्लर में लोग मेहंदी अप्लाई करते हैं। क्योंकि मेहंदी बहुत अच्छे से लगाई और एक एक हेयर में लगाई है, हैंड के मदद से, ब्रश की मदद से, और वैसे ही जैसे रोल बनाते हैं जूड़ा टाइप का बना करके लगाई, क्योंकि बहुत टाइम लगा, इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा दी है। लगभग आधा घंटा लगा मेरे एक एक हेयर में मेहंदी लगाने में। मैं घर में अच्छे ढंग से मेहंदी अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि पार्लर में आराम से हो जाती है, आगे आगे तो तब भी हम लगा लेते हैं, लेकिन पीछे जड़ों तक हम मेहंदी नहीं लगा पाते। तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी, पीछे में पीछे जो है सफ़ेद बाल रह जाते थे, क्योंकि मेरे काफ़ी जल्दी वाइट हेयर, ग्रे हेयर्स हो चुके हैं, तो मुझे मेहंदी अप्लाई करनी पड़ती, कलर भी मैं कितना लगाऊँ, तो इसलिए कलर तो हार्मफुल होता ही है। इस वजह से मैं ये नूपुर या नेहा मेडी जो नेचुरल हिना होती है वो अप्लाई करती हूँ, और इसमें मैं कभी एलोवेरा डाल देती हूँ, नींबू हो गया, अंडा हो गया, कॉफ़ी हो गई, चाय का पानी हो गया, मेथी दाना हो गया, दही हो गया, मतलब अलग अलग तरीके से, कई मुल्तानी मिट्टी वाला मैं क्या था हिना पैक तैयार कर लेती हूँ, मास्क तैयार कर लेती हूँ, तो अलग अलग तरीके से मैं कि मेरे जो हेयर्स हों उन्हें उनकी अच्छे से कंडीशनिंग भी हो जाए और मेरे जो ग्रे हेयर्स हैं वो फ्रेश से भी हो जाए, तो इस वजह से मैं हिना अप्लाई करती रहती हूँ। इस बीच मैंने काफ़ी लंबे वक्त बाद हिना अप्लाई करी, क्योंकि ठंडा मौसम हो रहा था, अभी बीच में भी करी थी मैंने, लेकिन फिर बीच में ठंडा मौसम सा हो गया था, एकदम बदला था, तो तबीयत खराब हो गई थी, वायरल हो गया था, इस वजह से मैं हिना अप्लाई नहीं कर रही थी। आप खुद देखिए कितने अच्छे से वो रोल बना बना के हिना अप्लाई कर रही हूँ, और एक एक हेयर में उन्होंने दीपा ने हेयर मतलब हिना लगाइए, तो आप देखिए स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो दीपा हैं हिना मेरे हेयर्स में लगा रही हैं। तो इसके साथ मैं टोन लगा रही हूँ, आप अच्छे से वॉच कीजिए।
बस जो हिना है अप्लाई हो गई है, और एक्स्ट्रा जो स्किन पे मेहंदी लग गई है वो कह रहे रुई को गीला करके वो अच्छे से पोंछ रही हैं कि मेरी स्किन पे कलर ना आ जाए, कभी कान में और थोड़ी सी फोरहेड में लग जाती है, तो बस उसे एक दीपक क्लीन कर रही हैं जिससे कि मेरे मतलब स्किन में कलर ना आ जाए। फ्रेंड्स देख लिए मैंने मेहंदी के बाद जो अपने हेयर हैं वो वॉश कर लिए हैं, देखिए काफ़ी अच्छा सा कलर आया है, मिक्स से हो गए हेयर। और ये देखिए धूप इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, ये देखिए अच्छा सा मतलब कलर आया है हेयर में और अच्छे से मेरे वॉश हो गए हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।